दोस्तों, क्या आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल रोजाना आप अपने ऑफिस में यूज करते हैं, या फिर आप एक स्टूडेंट है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीख रहे हैं, लेकिन आप सोच रहे हो कि ऐसी कौन सी एक्सेल की कीबोर्ड शॉर्टकट कीज आपको पता होनी चाहिए जो डेली ऑफिस में यूज होती है, डेली के काम में यूज होती है। अगर आपका ऐसा सवाल है तो आज का वीडियो आपके लिए। जी हाँ दोस्तों, मैं एक्सेल के अंदर 15 ऐसी कीबोर्ड शॉर्टकट कीज आपके लिए लेके आया हूँ जो आपको डेली ऑफिस में इस्तेमाल करनी पड़ती है, जिससे आपका एक्सेल का काम डेफिनेटली फास्ट होगा। तो कौन सी है वो 15 एक्सेल शॉर्टकट कीज, ये जानने के लिए अगर आप इंटरेस्टेड है तो लर्न मोर चैनल में मैं सतीश आप सबका स्वागत करता हूं। चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं खास। तो दोस्तों, डेली ऑफिस में यूज होने वाली एक्सेल की 15 कीबोर्ड शॉर्टकट कीज में से पहली शॉर्टकट की है फिल्टर की। जी हां दोस्तों, मैंने कर्सर स्टार्टिंग में रख दिया है टॉप रो में और मैं कंट्रोल शिफ्ट एल बटन प्रेस कर रहा हूं। जैसे मैं कंट्रोल शिफ्ट एल बटन प्रेस करूंगा, वैसे आपको यहां पर ध्यान देना है, यहां पर आपको छोटा सा एक ड्रॉप डाउन एरो आ रहा है, यहां पे मैं आपको दिखा दे रहा हूं। हर एक कॉलम के लिए, हर एक कॉलम हेडिंग के लिए आपको यहां पे ड्रॉप डाउन एरो दिखा दे रहा है, यानी कि फिल्टर अप्लाई हो चुका है। अगर आप यहां पे क्लिक करेंगे तो आप यहां से फिल्टर ऐड कर सकते हैं, राइट। और अगर मुझे ये फिल्टर रिमूव करना है तो मैं कंट्रोल शिफ्ट एल दोबारा प्रेस करूंगा, यानी ये टॉगल की है, इसी से फिल्टर ऑन होगा, इसी से फिल्टर ऑफ होगा। कंट्रोल शिफ्ट एल, ये याद रखना है, बहुत ही सिंपल शॉर्टकट की। अगर आपको फिल्टर ऐड करना है तो क्विकली आप ऐड कर सकते हैं, ना कि आप डेटा मेनू में जाओ, फिल्टर में क्लिक करो, ये सारे लेंथी स्टेप्स करने से अच्छा कंट्रोल शिफ्ट एल। अब बढ़ते हैं शॉर्टकट की नंबर 2 की तरफ। अब ये भी उतनी इंपॉर्टेंट है जब आपको टेबल में डेटा को कन्वर्ट करना होता है। अब मैं यहां पे दिखाऊं, ये टेबल मैंने बनाया हुआ है और मैं इसे सिलेक्ट करके बस कंट्रोल टी बटन प्रेस करूंगा। कंट्रोल टी बटन प्रेस करने से एक डायलॉग बॉक्स मेरे सामने आ रहा है। ये डायलॉग बॉक्स में आप देख सकते हैं क्रिएट टेबल और माय टेबल हैज हेडर्स, ये ऑलरेडी चेक रहने दो क्योंकि टेबल में हेडर है मेरे पास और मैं इसे टेबल में कन्वर्ट कर रहा हूं। अब टेबल में कन्वर्ट करने की हमें बहुत सारी बार जरूरत पड़ती है और टेबल हमें बहुत यूजफुल होता है क्योंकि टेबल में फॉर्मेटिंग अप्लाई हो सकती है, टेबल में हम स्लाइसर इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे स्लाइसर भी होता है। इन सारे के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया कि भाई स्लाइसर कैसे इंसर्ट किया जाता है, टेबल का यूज क्या होता है, प्रैक्टिकली मैंने एक इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया जो कि चैनल के ऊपर है, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उसकी लिंक दे दूंगा, डोंट वरी। सो कंट्रोल टी या फिर इसके लिए आप कंट्रोल एल भी यूज कर सकते हैं, याद रखिए कंट्रोल एल कीजिए या कंट्रोल टी कीजिए, टेबल में कन्वर्ट हो जाता है आपका डेटा। और डेटा टेबल में कन्वर्ट करना बहुत अच्छा रहता है बेटा, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूलाज ऑटोमेटिक अप्लाई होते हैं, रेंज ऑटोमेटिक इंक्रीज होती है, मतलब आगे चलकर आप यहाँ पे एक और रिकॉर्ड ऐड कर देते हो तो ये ऑटोमेटिकली टेबल में सारे फॉर्मूलाज आगे के ऐड भी हो जाएंगे और उसके ऊपर फॉर्मेट भी अप्लाई हो जाएगा। सो दिस वाज शॉर्टकट की नंबर 2। अब बढ़ते शॉर्टकट की नंबर 3 की तरफ। अब तीसरी शॉर्टकट की है कंट्रोल 1, जो कि बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। यहां पे अगर मेरे पास कुछ नंबर है, मैं इन्हें सिलेक्ट करता हूं और इनका मैं फॉर्मेट बदलना चाहता हूं तो मैं कंट्रोल 1, ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है फॉर्मेट सेल्स का। अब ये फॉर्मेट सेल्स के डायलॉग बॉक्स में इन नंबर्स को आप कौन से फॉर्मेट में रखना चाहते हैं आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। आप करेंसी फॉर्मेट में लेना चाहते हैं, अकाउंटिंग, या फिर बहुत सारे अलग अलग फॉर्मेट में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो पहले ये जनरल फॉर्मेट में था, अभी मैं नंबर फॉर्मेट में लेना चाहता हूं तो मैंने नंबर सिलेक्ट किया है एंड मैं ओके पे क्लिक कर रहा हूं तो आपको दिखाई दे रहा है ये नंबर फॉर्मेट में आ चुका है। तो क्विकली अगर किसी भी डेटा का नंबर फॉर्मेट आपको बदलना है, फॉर्मेट सेल्स बेसिकली करना है, तो कंट्रोल 1 ये शॉर्टकट की को याद रखिएगा, जिससे आपको मिलता है फॉर्मेट सेल्स का डायलॉग बॉक्स और इसमें बहुत सारी चीजें और भी आपको देखने मिलती है। तो अब शॉर्टकट की नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। जब हमें कोई भी डेटा पूरा का पूरा सिलेक्ट करना होता है तो हमें कर्सर इस डेटा के अंदर कहीं पे भी रखना है और कंट्रोल शिफ्ट एस्ट्रिक बटन प्रेस करना है। जी हाँ, कंट्रोल शिफ्ट एस्ट्रिक बटन, जो कि आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर, और यहां पे जैसे मैं उसे प्रेस करूंगा तो पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाता है। अगर आप इसे दूसरी तरीके से सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वो मैं बताऊं, क्योंकि कंट्रोल ए बटन प्रेस करने से भी आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। सो कंट्रोल शिफ्ट एस्ट्रिक यूज करिए या फिर कंट्रोल ए, आपको जो इजी लग रहा है वो कीजिए, डेटा को पूरा का पूरा सिलेक्ट यहां से कर सकते हैं। ये शॉर्टकट की आपको डेटा सिलेक्शन के लिए यूजफुल रहेगी। अब शॉर्टकट की नंबर 5 में मैं आपको बताऊं कि अगर डेटा सिलेक्शन करना है तो आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पे कर्सर स्टार्टिंग में रखिए A1 पे, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा डेटा, जहां तक हमारा डेटा है बेटा वहां तक सिलेक्ट हो जाएगा, राइट। या फिर कर्सर फिर से स्टार्टिंग में रखिए, आप कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो पहले करेंगे तो भी चलेगा, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो बाद में करेंगे तो भी चलेगा, मतलब कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो पहले करो या बाद में करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो से पूरा का पूरा डेटा यहां पे सिलेक्ट होता है। ये भी शॉर्टकट की आप बहुत बार इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपको डेटा को प्रॉपरली सिलेक्ट करना रहता है।
अब छह नंबर शॉर्टकट की में मैं आपको बताऊं कि अगर आपको डेटा में लास्ट रो पे जाना है, डायरेक्टली लास्ट रो पे जंप करना है, जैसे यहां पे आपको दिखा दे रहा है इस कॉलम में बहुत सारा डेटा है, तो मुझे डायरेक्ट लास्ट रो पे जंप करना है, तो मैं स्टार्टिंग में कर्सर रखूंगा, कंट्रोल डाउन एरो प्रेस करूंगा, कंट्रोल डाउन एरो डायरेक्ट मैं लास्ट रो पे आ जाऊंगा। आपकी कितने भी रोज रहेंगे यहाँ पे लास्ट रो, या फिर आप एक्सेल में कितने रोज वो भी देखना चाहते तो और एक बार कंट्रोल डाउन एरो प्रेस करो, डायरेक्ट लास्ट रो पे आ जाओगे। यहाँ पे आपको टोटल रोज दिखाई दे रहे 10,48,576, बेसिकली आपको पता ही होगा। सो कंट्रोल अप एरो प्रेस करो दोबारा, यहाँ पे आप देख सकते हैं हम ऊपर आ चुके हैं डायरेक्टली, और कंट्रोल अप एरो से फिर से हम ऊपर आ चुके हैं। कंट्रोल राइट एरो से आप डायरेक्ट लास्ट कॉलम पे जा सकते हैं, कंट्रोल राइट एरो और एक बार प्रेस करेंगे तो देखिए लास्ट कॉलम तक आप जा सकते हैं। सो कंट्रोल राइट एरो लास्ट नॉन ब्लैंक सेल्स तक जाएगा यहाँ पे, और कंट्रोल राइट एरो दोबारा प्रेस करने के बाद डायरेक्टली लास्ट ब्लैंक जो भी कॉलम रहेगा वो लास्ट कॉलम को हाईलाइट करेगा, सिलेक्ट करेगा। तो आपको लास्ट कॉलम और लास्ट रो को सिलेक्ट करना रहेगा, जंप करना रहेगा, देखना रहेगा। तो कंट्रोल राइट एरो और कंट्रोल डाउन एरो इन कीज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जरा प्रैक्टिकल करके इसे भी देख लीजिएगा। और आगे की शॉर्टकट की तरफ बढ़ने से पहले मैं बताऊं कि ये सारी शॉर्टकट कीज अगर आपको एक जगह पे चाहिए, आपको रीड करनी है मेरी ईबुक, तो हमारे लर्न मोर ऐप पे ये जो पीडीएफ आपको दिखाई दे रहा है वो अवेलेबल है, वहां से आप इसे पढ़ सकते हैं। ये कीबोर्ड के साथ हाईलाइट करके मैंने सारी चीजें बताई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी की सारी शॉर्टकट कीज यहाँ पे प्रॉपर वे पे एक्सप्लेन की हुई है, हिंदी के अंदर एक्सप्लेन की हुई है। तो आप ये ईबुक भी वहां से पढ़ सकते हैं, लर्न मोर ऐप जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया, और ये उस ऐप पे भी अवेलेबल है, और उस ऐप पे और भी ईबुक अवेलेबल है कीबोर्ड शॉर्टकट कीज के। आगे की शॉर्टकट की है F4। अब ये F4 शॉर्टकट की एक्सेल में यूज किया जाता है फॉर्मूला के अंदर, जब किसी भी रिलेटिव रेफरेंस को फिक्स रेफरेंस में कन्वर्ट करना हो। तो अगर आपको ये नहीं पता है तो पहले मैं एक फॉर्मूला लगा के यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे 2500 ये मैंने सिलेक्ट किया है, इसमें प्लस करना चाहता हूँ मैं 50। ये देखिए मैं 50 ये वैल्यू बस 2500 में ऐड नहीं करना चाहता हूँ, यहाँ पे जितनी भी सेल्स अमाउंट में पड़ी है उन सभी में ये 50 अमाउंट ऐड करना चाहता हूँ, ये सभी की सभी मैं कॉस्ट बढ़ाना चाहता हूँ, तो मैंने ये ऐड कर दिया। अगर मैंने यहाँ पे D1 ऐसे ही रखा और एंटर प्रेस किया, ध्यान से देखिए मैंने D1 ऐसे रखा और एंटर प्रेस किया, और उसके बाद मैं अगर यहाँ पे देखूंगा ये वैल्यू 2850 और मैं इसे ड्रैग करता हूँ तो ये वैल्यू 2850 की वही आ रही है यहाँ पे, बल्कि 50 ऐड हो चुका है, लेकिन यहाँ पे 50 ऐड नहीं हुआ है क्योंकि इस फॉर्मूला में चेक करो यहाँ पे D2 हो चुका है। तो ये जो रेफरेंस आ रहा है ये रिलेटिव रेफरेंस कहा जाता है, तो इस रिलेटिव रेफरेंस को फिक्स रेफरेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये वैल्यू वही की वही आ रही है, दिखाई दे रही है आपको, तो इस फॉर्मूला को डिलीट करो, यहाँ पे दोबारा इसके अंदर चेंज कर लो। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, D1 को सिलेक्ट करूंगा और मैं यहाँ पे F4 बटन प्रेस करूंगा, इससे डॉलर साइन यहाँ पे ऐड होता है F4 प्रेस करने से, तो ये रिलेटिव रेफरेंस से फिक्स रेफरेंस में कन्वर्ट हो चुका है, इसे फिक्स रेफरेंस कहा जाता है, यानी कि D1 का एड्रेस यहाँ पे फिक्स हो गया है। तो D1 एंटर कर लो और यहाँ पे अभी ड्रैग करो, सब जगह पे 50 ऐड हो चुका है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे भी 50 ऐड हो चुका है, यहाँ पे देखो 3500 तो यहाँ सब जगह पे 50 ऐड हो चुका है, बिकॉज यहाँ पे D1 सब जगह पे फिक्स रह चुका है। तो ये फिक्स रेफरेंस में कन्वर्ट करने के लिए F4 ये शॉर्टकट की कीबोर्ड पे याद रखिएगा दोस्तों। आगे की शॉर्टकट की है F2, यानी कि कोई भी सेल में अगर आपको फॉर्मूला एडिट करना है या कोई कंटेंट एडिट करनी है तो सेल पे कर्सर रखो और F2 बटन प्रेस करो, जैसे आप F2 प्रेस करोगे वो फॉर्मूला यहाँ पे दिखाई देगा, या फिर अगर यहाँ पे कोई कंटेंट है हेलो लिखा गया है और इसमें मैं एडिट करना चाहता हूँ तो पहले इसमें कर्सर रखो और यहाँ पे F2 बटन प्रेस करो। अगर आप F2 नहीं प्रेस करते हो डायरेक्टली लिखने जाते हो तो यहाँ पे डायरेक्टली लिखने के बाद ये देखिए ये पहले वाला मिट जाएगा, अगर आप F2 प्रेस करते हो तो कर्सर उसके अंदर आ जाता है, एडिट एक्टिव सेल। F2 मतलब एडिट फॉर्मूला भी कर सकते हैं और एडिट एक्टिव सेल, ये शॉर्टकट की याद रखो और ये डेली यूज होने वाली शॉर्टकट की है दोस्तों F2। एक्सेल कीबोर्ड शॉर्टकट की का वीडियो तो आगे चलते रहेगा दोस्तों, लेकिन एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप ईबुक पढ़ना चाहते हैं तो हमारे ऐप पे आप ईबुक पढ़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमने लर्न मोर ऐप की लिंक दी है। आप फ्री कोर्सेज सीखना चाहते हो तो पावर पॉइंट और माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर का फ्री कोर्स भी वहाँ पे दिया है, और साथ ही में डेली कंप्यूटर नॉलेज चेक करने के लिए आपको कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट टेक्स्ट सेक्शन में मॉक टेस्ट फ्री में मिलने वाला है। तो ये सारी चीज़ें आपको लर्न मोर ऐप पे एक साथ मिलेगी, और कुछ पेड कोर्सेस है जो कि एक्सेल मास्टरी करने के लिए भी है, और बहुत सारे कोर्सेस है आप जाके चेक कर सकते हैं। अगर आप एक्सेल में सुपर फास्ट बनना चाहते हैं, कंप्यूटर में सुपर फास्ट बनना चाहते हैं, तो वहाँ पे ढेर सारे कोर्सेस हमारे ऐप के ऊपर पेड कोर्सेस अवेलेबल है, तो ऐप को जरूर चेक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड लिंक हमने आपके लिए दे दी है। फिलहाल तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आगे की शॉर्टकट की है कंट्रोल आर एंड कंट्रोल डी। अब आपको लगता होगा कि यार कंट्रोल आर और कंट्रोल डी है क्या बेसिकली, तो यहाँ पे शॉर्टकट कीज कैसे यूज होगी। यहाँ पे इस सेल में अगर मैं कोई भी टेक्स्ट लिखता हूँ, जैसे मैंने मेरा ही नाम लिख दिया, यहाँ पे मैं मेरा नाम टाइप करता हूँ, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, और मैं ये हॉरिजेंटली रिपीट करना चाहता हूँ इन सेल्स में, तो मैंने उतना सेल सिलेक्ट कर लिया कंट्रोल आर, ओहो ग्रेट, और मैं इसे वर्टिकल भी
रिपीट करना चाहता हूं, मैं इनको सिलेक्ट करूंगा कंट्रोल डी, सो कंट्रोल डी फील डाउन और कंट्रोल आर फील राइट, ये फॉर्मूला में भी आप यूज कर सकते हैं। जी हाँ, मैं आपको इस सेल में दिखाता हूँ, यहाँ पे एक फॉर्मूला आपने दिया हुआ है और ये फॉर्मूला आप रिपीट करना चाहते हैं इन सेल्स में, तो जितनी सेल्स में रिपीट करना चाहते हैं आप सिलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल डी बटन प्रेस कीजिए, कंट्रोल डी, ये देखिए फील डाउन, और आप राइट में रिप्लेस करना चाहते हैं तो उसे कंट्रोल आर बटन प्रेस कीजिए, यहाँ पे वो राइट में चला जाएगा। तो इस तरह से ये शॉर्टकट की यहाँ पे काम करती, कंट्रोल आर फील राइट, कंट्रोल डी फील डाउन, ये भी आपके काम की शॉर्टकट की है दोस्तों। उसके बाद की शॉर्टकट की है पेस्ट स्पेशल की। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कोई भी डेटा कॉपी करते हो, जैसे ये फॉर्मूला वाला डेटा मैंने यहां से कॉपी किया, इसमें फॉर्मूला है और मैं यहां पे पेस्ट करना चाहता हूं, तो मैं इस बार कंट्रोल अल्ट और वी बटन प्रेस करूंगा और मैं पेस्ट स्पेशल के डायलॉग बॉक्स में से वैल्यूज वाला ऑप्शन यूज करके इसे पेस्ट करूंगा, या फिर पेस्ट स्पेशल के डायलॉग बॉक्स में और भी ऑप्शन है वो भी आप यूज कर सकते हैं। हालांकि पेस्ट स्पेशल के इस डायलॉग बॉक्स के ऊपर ये जो आ रहा है कंट्रोल अल्ट वी बटन प्रेस करने के बाद, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक स्पेशल वीडियो बनाया जिसकी लिंक मैं ऊपर आई बटन पे आपके लिए दे रहा हूं, जिसे आपको सीखना बहुत जरूरी है कि ये इन ऑप्शंस का यूज आप कहां कैसे कर सकते हैं एक्सेल में स्मार्ट बनने के लिए, राइट, तो जरूर चेक कीजिएगा वो वीडियो दोस्तों। उसके बाद है F9 शॉर्टकट की। जी हाँ, कैलकुलेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे आप इस डेटा के ऊपर एक वैल्यू का फॉर्मूला अप्लाई करके इन सेल्स में जो मैक्स टोटल है उसका नाम यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो आपको पता है इज इक्वल टू वी लुकअप फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज करोगे और उसके बाद आप यहाँ पे मैक्स लिखोगे। वी लुकअप के अंदर मैक्स फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज कर रहे हो और मैक्स में ये चीजें सिलेक्ट कर लोगे, मतलब इसमें से मैक्स निकालना है आपको। तो देखिए, वी लुकअप के अंदर मैं यहाँ पे मैक्स अगर यूज कर रहा हूं और ये जो लुकअप वैल्यू में मैक्स निकाला है मैंने, तो इसका रिजल्ट मुझे यहाँ पे ही देखना है इस लुकअप वैल्यू में जो आने वाला है। तो एक फॉर्मूला के अंदर अगर दूसरा फॉर्मूला आप यूज कर रहे हो तो उसका रिजल्ट उसी फॉर्मूला में आपको तुरंत देखना है, तो आप F9 बटन प्रेस कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे बस उस फंक्शन को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद F9 बटन प्रेस करना है, ये रिजल्ट आ गया, और दोबारा अंडू कीजिए इसे कंट्रोल जेड, ये दोबारा फॉर्मूला आ जाता है। ये देखिए F9 आपको दिखाई दे रहा है कि मैक्स वैल्यू कौन सी है और मैक्स वैल्यू जो आ रही है उसके अकॉर्डिंग हमें इस टेबल में से, ये जो टेबल है इसमें से दो नंबर के कॉलम में जो वैल्यू है वो चाहिए, जो कि यहाँ पे आपको भी दिखाई देगी कि भाई इसकी वैल्यू है ई। और अब ये वी लुकअप का फॉर्मूला कैसे दिया जाता है या वी लुकअप के कौन कौन से अलग अलग मैजिक्स रहते हैं, ऐसे अलग अलग एग्जांपल के साथ अगर आपको सीखना है तो मेरा एक्सेल का कोर्स आप ले सकते हैं, जिसमें आपको पूरी चीज़ें एक्सप्लेन की गई है। हमारी वेबसाइट पे वो कोर्स अवेलेबल है, लर्न मोर प्रो पे या फिर लर्न मोर ऐप पे, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दी है। मास्टरी एक्सेल का कोर्स भी आप यहाँ से सीख सकते हैं दोस्तों। अब हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट की ये है कि अगर हमारे पास ढेर सारी शीट्स पड़ी है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास शीट 1, 2, 3, 4, 5 ऐसी शीट्स है और मैं शीट 1 में हूँ, अब मैं शीट 2 में जाना चाहता हूँ, तो मैं कीबोर्ड पे कंट्रोल पेज डाउन बटन प्रेस करूंगा। कीबोर्ड पे मैं कंट्रोल पेज डाउन प्रेस कर रहा हूँ तो नेक्स्ट शीट की तरफ मैं बढ़ते जाऊँगा, अगर मैं पेज अप बटन प्रेस करूंगा तो प्रीवियस शीट पे मैं मूव होते जाऊँगा। सो कंट्रोल पेज अप पेज डाउन, इन शॉर्टकट की मदद से आप एक शीट से दूसरी शीट में जा सकते हैं। कोई भी शीट में अगर आपको नेविगेट करना है तो कंट्रोल पेज अप और पेज डाउन, इन बटन को, इन शॉर्टकट की को याद रखना आपके लिए जरूरी है दोस्तों। अब नेक्स्ट शॉर्टकट की हमारी है फ्लैश फील की। जी हाँ, यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपके पास सिटी और पिन कोड एक कॉलम में लिखे तो आप इसे टेक्स्ट टू कॉलम यूज करोगे, फिर अलग अलग करोगे, इससे अच्छा आप क्या करो, एक सिटी को, किसी भी एक सिटी को सिलेक्ट कर लो, यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करो दूसरे सेल में और कंट्रोल ई बटन प्रेस करो, कंट्रोल ई, जी हाँ कंट्रोल ई फ्लैश फील, जिससे डायरेक्टली ऑटोमेटिकली वो ट्रैक करेगा कि इसके नीचे टेक्स्ट कहाँ कहाँ है। और ये अगर आप यहाँ पे पिन कोड को कॉपी कर लेते हो, पिन कोड का फॉर्मेट इस तरह से कॉपी, और मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर रहा हूँ कंट्रोल ई, तो यहाँ पे वो पिन कोड उठा के ले लेगा। बेसिकली इसमें स्पेस दिया था इस पिन कोड में, लेकिन इसमें स्पेस नहीं है, तो वैसे उसने वो नंबर लिए है प्रॉपरली। लेकिन कंट्रोल ई का इस्तेमाल इतना ही नहीं, उसके ऊपर ढेर सारी चीज़ें होती है। उसके ऊपर मैंने स्पेशली 11 मैजिक्स का एक वीडियो बनाया था, जिसकी लिंक आपको आई बटन पे ऊपर रख रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे रहा हूँ, फ्लैश फील मैजिक का वो वीडियो जरूर देखना दोस्तों। अब नेक्स्ट शॉर्टकट की ये है कि अगर इस टोटल की भी हमें इस सेल में टोटल निकालनी है उसके नीचे, ठीक, तो कीबोर्ड पे बस अल्ट इज इक्वल टू आपको प्रेस करना है। जी हाँ, अल्ट इज इक्वल टू आप प्रेस करते हैं कीबोर्ड पे तो ऑटोमेटिकली सम का फॉर्मूला यहाँ पे आ जाता है और एंटर बटन प्रेस कीजिए, ऊपर के नंबर को ऑटोमेटिक सेलेक्ट करके यहाँ पे आपको टोटल दे देता है। यहाँ पे आप कर्सर रखिए, अल्ट इज इक्वल टू प्रेस कीजिए, काम खत्म, राइट। अब आगे की शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं। अब ये जो शॉर्टकट की मैं आपको बताने वाला हूं, ये सभी को इस्तेमाल हो सकती है, सभी जगह पे यूज हो सकती है, एक्सेल में आपको माउस की जरूरत नहीं पड़ सकती शॉर्टकट की बात। जी हाँ, अगर आप कीबोर्ड पे अल्ट बटन प्रेस करते हो तो अल्ट बटन प्रेस करने से ऊपर आपको दिखाई दे रहा है होम टैब के लिए एच हाईलाइट हो रहा है, इंसर्ट के लिए एन, पेज लेआउट के लिए पी, फॉर्मूलाज के लिए एम, तो आप एच प्रेस करते हैं, अल्ट एच से होम टैब में आ सकते हैं और उसके अंदर की शॉर्टकट कीज आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है हर एक ऑप्शन के लिए, मतलब आपको जो भी चीजें यहाँ पे करनी वो शॉर्टकट
बटन की आप यहाँ पे प्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको रिपीट दिखाता हूँ कि अगर मैं इसका फॉन्ट साइज बढ़ाना चाहता हूँ या फिर मैं इसको फॉन्ट कलर बदलना चाहता हूँ, लेकिन मुझे माउस से यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा फिर कलर में बदल सकता हूँ। अगर मैं कीबोर्ड पे अल्ट प्रेस करूंगा, फिर एच प्रेस करूंगा, उसके बाद एफ सी एक साथ प्रेस करूंगा और फिर कीबोर्ड पे डाउन एरो, राइट एरो या लेफ्ट एरो प्रेस करके ऐसा कलर सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे मैंने माउस को बिल्कुल हाथ नहीं लगाया, फिर भी यहाँ पे मैंने कलर चेंज किया। वही तो हमें करना है दोस्तों। इसके लिए तो ये टोटल शॉर्टकट की का वीडियो मैंने बनाया था कि माउस को कम से कम आप यूज करो, कीबोर्ड से ज्यादा यूज करो, स्मार्ट बनो। तो ये तो 15 एक्सेल कीबोर्ड शॉर्टकट की जो रोजाना ऑफिस के अंदर आपको इस्तेमाल करनी पड़ सकती है। लेकिन आप जानना चाहते हैं एक्सेल के अंदर पूरी की पूरी शॉर्टकट कीज, तो उसका एक स्पेशल वीडियो मैं और बना रहा हूँ एक्सेल 100 शॉर्टकट कीज का। जी हाँ, लगभग एक्सेल की ऑल शॉर्टकट कीज इसके अंदर कवर है, तो वो आपको मिलेगा हमारे एक्सेल ट्यूटोरियल चैनल पे, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। और इस वीडियो को मैं जल्दी अपलोड करने वाला हूँ, एक दो दिन में ही मैं इस वीडियो को उस चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ, जहाँ पे एक्सेल की सारी शॉर्टकट कीज विद ई बुक मिलने वाला है। ई बुक आपको सबको हमारे ऐप पे ही मिलेगा, लेकिन पूरी शॉर्टकट कीज एक साथ अगर आपको जाननी है एक्सेल की, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। एक्सेल ट्यूटोरियल चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ऑलरेडी आपने किया होगा। हम मिलेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। हमारे जितने भी चैनल है लिंक डिस्क्रिप्शन में, हमारी जितनी भी वेबसाइट है उनकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जरूर चेक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।